सो गाइस, आपको मेरा GB व्हाट्सअप का होम स्क्रीन देखकर समझ में आ गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देखते हो मेरा GB व्हाट्सअप का होम स्क्रीन कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है देखने में। अगर आप भी अपने GB व्हाट्सअप का होम स्क्रीन कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करके अपने गर्लफ्रेंड या दोस्त वगैरह को चौंकाना चाहते हो तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है, क्योंकि आपको डिफॉल्ट करके शुरू से बताऊंगा ऊपर का साइड का कलर ये वाला कैसे करना है रेड और ब्लैक, और यहाँ पे होम स्क्रीन का कलर येलो और यहाँ पे ब्लैक, और स्टेटस बार का ऊपर का साइड का यहाँ पे ये वाला कलर कैसे कर सकते हो ब्लू, और यहाँ पे होम स्क्रीन पे स्टेटस इंस्टाग्राम लाइक स्टोरी की तरह आप कैसे लगा सकते हो। बहुत ही यूजफुल सेटिंग, 5 न्यू ट्रिक बताऊंगा। सो भाई, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए बिल्कुल स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, तो सबसे पहले आपको अपने GB व्हाट्सअप के होम स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे देखते हो मेरे GB व्हाट्सअप का होम स्क्रीन एकदम नॉर्मल व्हाट्सअप की तरह हो चुका है। अगर आप अपने GB व्हाट्सअप का होम स्क्रीन 5 न्यू ट्रिक लगा कर अपने GB व्हाट्सअप को आपको जैसे दिखाया कुछ इस तरीके से आप करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आपको सेटिंग बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे GB सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। आपको उस GB सेटिंग वाला ऑप्शन में यहाँ से कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक यूनिवर्सल का ऑप्शन। सिंपली आपको इस यूनिवर्सल वाले ऑप्शन पे यहाँ से करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ऊपर के साइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कलर का एक ऑप्शन। सिंपली आपको कलर वाला ऑप्शन पे कर देना है आपको क्लिक। यहाँ से क्लिक करने के बाद ऊपर का साइड कलर करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूनिवर्सल कलर। आपको इस यूनिवर्सल कलर पर क्लिक करना है और यहाँ पे ग्रेडियंट कलर पर आपको यहाँ से कर देना है क्लिक। ग्रेडियंट कलर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कलर करना है यहाँ पे ऊपर का साइड देखा कलर वन। सिंपल आपको कलर वाल पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे जो कलर आप रखना चाहते हो, अभी आपको थंबनेल पे दिखाया है रेड कलर, आप कोई सा भी रख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ ये वाला कलर, जैसे कि अभी करता हूँ ग्रीन, ग्रीन कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे कर लेना है न्यू क्लियर वाला ऑप्शन पे कर देना है आपको क्लिक। यहाँ से क्लिक कर दिया और यहाँ पे टॉप सेंटर यहाँ पे लेफ्ट कैसा भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा किस तरीके से आप रखना चाहते हो। तो आप टॉप रखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आपको टॉप में आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको कहना टॉप पर क्लिक करके और यहाँ से कर देना है ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक। अभी मैं कर दिया क्लिक और यहाँ से करना है आपको बैक, देखते हैं अभी हुआ है या नहीं। गाइस यहाँ पे देखते हो मेरा GB व्हाट्सअप होम स्क्रीन के ऊपर का साइड के यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो चुका है ग्रीन और ब्लैक, यहाँ पे दो कलर यहाँ पे अभी मिक्स हो चुका है। उसके बाद आपको स्टेटस बार का कलर, आप ऊपर के साइड का ये वाला स्टेटस बार है उसका आप कलर कैसे चेंज कर सकते हो। अभी देखते हो GB व्हाट्सअप वाला कलर है उसका कलर आप चेंज करने के लिए फिर से 3 रुपये आना है एंड आपको यहाँ पे GB सेटिंग वाले ऑप्शन में कर देना है आपको यहाँ से क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको फिर से देखने को मिलेगा यूनिवर्सल का ऑप्शन। सिंपली आपको इस यूनिवर्सल में वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन में यहाँ से आ जाना है। कलर वाला ऑप्शन में आने के बाद फिर से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक ऑप्शन नीचे के साइड स्टेटस का, स्टेटस बार का। सिंपली आपको स्टेटस बार में क्लिक करना है और आप स्टेटस बार का कलर कोई सा भी रख सकते हो। सो गाइस, अभी मैं कर लेता हूँ यहाँ से रेड। रेड कर लिया, उसके बाद यहाँ पे न्यू क्लियर वाला ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। न्यू क्लियर वाला ऑप्शन पे कर दिया क्लिक में, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ से बैक आ जाना है। अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ से बैक। बैक आते यहाँ पे देखते हो स्टेटस बार का कुछ इस तरीके से रेड का कलर यहाँ पे हो चुका है और यहाँ का कलर जो है यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा सेटिंग है यहाँ पे इसका होम स्क्रीन का कलर, यहाँ पे अभी व्हाइट है, इसका कलर आप कैसे अलग तरीके का रख सकते हो अपने हिसाब से, फोटो भी लगा सकते हो और कलर भी रख सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करें एंड आपको आना है GB सेटिंग में। अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ से GB सेटिंग में। GB सेटिंग में आ गया, फिर से आपको देखने लिया यूनिवर्सल का ऑप्शन। सिंपली आपको इस यूनिवर्सल वाला ऑप्शन फिर से आपको करना है क्लिक एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कलर का ऑप्शन। सिंपली फिर से कलर वाला ऑप्शन में आना है एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बैकग्राउंड का एक ऑप्शन। सिंपली आपको इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रेडियंट कलर और यहाँ पे फोटो भी अप्लाई कर सकते हो अपने GB व्हाट्सअप के होम स्क्रीन के ऊपर। तो अभी मैं फोटो फिलहाल नहीं लगा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कलर कैसे लगाना है। तो फिर से आपको ग्रेडियंट कलर पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको कलर वन और कलर टू कोई सा भी आप रख सकते हो। सिंपली आपको पहले कलर वन पे करते हैं क्लिक और इसका कलर रख लेते हैं यहाँ पे येलो। येलो रख लिया, उसके बाद फिर से ओके कर दिया और यहाँ पे दूसरे कलर का आपको कोई सा भी रख सकते हो। जैसे कि ये वाला ब्लैक है तो आप ब्लैक नहीं चाहते हो, दूसरा रेड चाहते हो, यहाँ से क्लिक करना और यहाँ से करना है रेड और यहाँ से कर देना है फिर से आपको न्यू कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक। और यहाँ पे येलो और रेड हो चुका है यहाँ पे देखते हो कुछ इस तरीके से, और टॉप सेंटर आप जैसा मर्जी हो यहाँ से रख सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं सिर्फ सिंपली आपको टॉप पे रखने देता हूँ। उसके बाद फिर से आपको ओके वाले ऑप्शन में यहाँ से करना है आपको क्लिक। अभी मैं कर दिया क्लिक और यहाँ से आपको कहना है बैक आ जाए। अभी मैं आज तक बैक आते हुए देख रहे GB व्हाट्सअप का होम स्क्रीन का यहाँ पे कलर कुछ इस तरीके से चेंज हो चुका है। ऊपर के साइड के यहाँ पे पीला है और नीचे के साइड के यहाँ पे रेड है कुछ इस तरीके से। उसके बाद चौथा नंबर यहाँ पे सेटिंग है इंस्टाग्राम लाइक स्टोरी की तरह अपना स्टेटस को कैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं। अभी देख दो
मेरा स्टेटस अभी कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है, स्टेटस वार वाले ऑप्शन में, यहाँ पे स्टेटस वाला ऑप्शन में आओगे तभी आपका स्टेटस दिखाएगा, यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नहीं दिखाएगा कुछ इस तरीके से। तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो आपको उसके लिए यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। अभी मैं यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, थ्री डॉट पे क्लिक कर दे रहे हैं, उसके बाद एंड आपको यहाँ पे जीबी सेटिंग वाला ऑप्शन फिर से आपको कर देना है क्लिक। जैसे कि अभी मैं जीबी वार्ड यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन में कर दिया क्लिक, उसके बाद आपको फिर से एक देखना मिलेगा होम स्क्रीन का ऑप्शन, सिंपली आपको इस होम स्क्रीन वाला ऑप्शन में करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर के साइड देखने मिलेगा हेडर का ऑप्शन, ये वाला हेडर, आपको इस हेडर वाला ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने मिलेगा इंस्टाग्राम लाइक स्टोरी, सिंपली आपको इंस्टाग्राम लाइक स्टोरी वाला ऑप्शन में क्या करना है, आपको ये डिसेबल रहेगा, आपको इसको इनेबल करके यहाँ से आ जाना है आपको बैक। अभी देखने का इंस्टाग्राम लाइक स्टोरी की तरह मेरा अभी जीबी व्हाट्सएप का स्टेटस जो है लग चुका है कुछ इस तरीके। देख तो होम स्क्रीन पर भी यहाँ पे दिखा रहा है मेरा स्टेटस कुछ इस तरीके से, मैं स्क्रॉल करके किसी भी स्टेटस पर मैं क्लिक करके यहाँ से देख सकता हूँ, और स्टेटस बार में से भी यहाँ से मैं देख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे पांचवा सेटिंग है सबसे लास्ट, यहाँ पे अपना नाम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख तो जीबी वहाँ पे जो है जीबी नहीं वहाँ पे व्हाट्सएप लिखा रहे हैं, यहाँ पे अपना नाम कैसे लिख सकते हो, उसके लिए आपको थ्री डॉट पे जाना है एंड आपको जीबी सेटिंग में आ जाना है। अभी मैं आपको जीबी सेटिंग में आता हूँ, जीबी सेटिंग में आने के बाद फिर से होम स्क्रीन वाले ऑप्शन में आ जाना है। गाइज आपको होम स्क्रीन वाले ऑप्शन में कर देना है यहाँ से क्लिक, मैं कर देता हूँ क्लिक अभी, सॉरी गाइज यहाँ पे होम स्क्रीन में कर दे क्लिक, फिर से आपको हेडर वाले ऑप्शन में यहाँ से कर देना है आपको क्लिक, हेडर वाला ऑप्शन में कर दे क्लिक। उसके बाद यहाँ पे देखने मिले आपको सेट माई नेम, सिंपली आपको सेट माई नेम वाले ऑप्शन में यहाँ से आपको ये वाला डिसेबल रहेगा, यहाँ से आपको इनेबल करते ही ऊपर के साइड आपको देखते हो यहाँ पे नाम मेरा शो हो रहा है हलजीत टम, जो कि मेरा चैनल का नाम है। उसके बाद यहाँ से मैं डिफॉल्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखा रहा है जीबी व्हाट्सएप, और यहाँ पे देखते हो जैसे ही इनेबल करूँगा मेरा यहाँ पे नाम दिखा रहा है कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए आपको यहाँ से बैक आना है, बैक आना और यहाँ पे देखना जीबी व्हाट्सएप होम स्क्रीन को, और 5 न्यू ट्रिक यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, जैसे कि कलर वाला यहाँ पे हो चुका है, स्टेटस बार हो चुका है, और यहाँ पे नेम का कलर हो चुका है, और स्टेटस वाला ऑप्शन हो चुका है, और बैकग्राउंड का कलर कुछ इस तरीके से हो चुका है। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। मिलता है अगले वीडियो में एक और जीबी व्हाट्सएप ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय।